हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग गुरु। तो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ कि हम माइनक्राफ्ट में अनलिमिटेड एरो शूटर गन और या मशीन गन भी कह सकते हैं, वो हम कैसे बनाएं, वो भी सिंपल स्टेप में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो भाई लोग, हमारे एरो शूटर गन का लुक कैसा होगा, जो कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये कैसे वर्क करती है ये भी दिखा देता हूँ। ऐसे ही हमारे एरो शूट होंगे और बस मैं आपको बताऊँ इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, वो एरो की मशीन गन बनाने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें है, वो पहले चेस्ट चाहिए, हॉपर चाहिए, रेस्टोन ब्लॉक चाहिए, रेस्टोन डस्ट, स्टिकी पिस्टन, वाइट कंक्रीट, एक आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। उसके बाद हमें सिमेंट, एक ट्रैप डोर लेना है, लावा बकेट मीन्स लावा डिस्पेंसर और एरोस, जो आपके पास जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तीन ब्लॉक इस साइड रखते हैं। मुँह चलो इस साइड तीन ब्लॉक लगाने हैं, वाइट कंक्रीट एंड थ्री, ये हो गया। उसके बाद हमें सिंपल ऐसे नीचे आ जाना है। इसके बाद आप पीसी में खेल रहे हो तो आप शिफ्ट दबा के करिएगा, और आप मोबाइल में खेल रहे हो तो ये सेंटर वाला की दिखेगा, इसे दो बार प्रेस करिएगा, आप सिंपल ऐसे आपको प्लेयर उसके बाद स्लो हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इस साइड जाते हैं, यहाँ से लगाते हैं। तो गाइस, जिस साइड से हमें एरो शूट करना है उसके ऑपोजिट साइड और मिडल का एक दो ट्रैप डोर तोड़ देना। उसके बाद हमें ट्रैप डोर और डिस्पेंसर को इस साइड से मूव करके रख देना। इसके बाद हमें ट्रैप डोर क्लोज कर देने सारे। बदलाव बकेट लेना है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। और इसके बाद हमें यहाँ पे प्लेस कर देना है लावा बकेट को। उसके बाद हमें ब्लॉक यहाँ लेना है इधर। इसके बाद हमें स्टिकी पिस्टन को भी इस साइड का मुँह करके, और इसके बाद हमें इस पर रेस्टोन ब्लॉक, और इसके बाद हम यहाँ पे पहले एरो फिल कर देते हैं। आपके पास जितने ज़्यादा एरो होंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद हमें सिंपल है सर, आपको बनाना हो तो स्टोर करके आपको बार बार ना लगाना, इसलिए आप यहाँ पे एक हॉपर लगा देना। उसके बाद आप इसके ऊपर एक चेस्ट भी लगा सकते हो जो इससे कनेक्ट हो जाएगी, और इसमें आप और भी एरो स्टोर कर देंगे जो हॉपर में चलेंगे, और हॉपर से वो डिस्पेंसर में जैसे यूज़ होते जाएंगे वैसे उसमें फिल होते जाएंगे ऑटोमेटिक, तो आपको बार बार एरो डालना नहीं पड़ेगा। ये हो गए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको एक रेस्टोन डस्ट लेना और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, और ये मशीन स्टार्ट। अब देख सकते हो क्या ही तगड़े गन बनी, वो भी सेम। और आप और ज़्यादा एरो स्टोर करने के लिए यहाँ पे और हॉपर्स को कनेक्ट करके उसके बाद चेस्ट को कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो क्या ही एरो शूट हो रहे, वो भी फ्लेम के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे लावा डाला ना इसलिए। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अपने फ्रेंड्स जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर दिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और हाँ, जो बैकग्राउंड नॉइज है तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है इसलिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।